SCVT के रिजल्ट के लिए बहुत सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे थे, फ़िलहाल उनका इंतज़ार ख़त्म हो गया है। SCVT का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, फ़िलहाल उसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप लोग जो है देख सकते हैं। अगर आप लोगों को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पे ऑल पे को प्रेस कर लें। पहले मैं आपको एक मार्कशीट दिखा देता हूं, यहां पर आप लोग देख सकते हैं अक्टूबर 2022 में यहां पर एग्ज़ाम हुआ है और इसकी मार्कशीट जो है वो जनरेट हो गई है और रेगुलर छात्र ही है और SCVT की यहां पर मार्कशीट है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं। और SCVT UP का ही है ये, तो आप लोग यहां पर पूरी चीज़ें देख सकते हैं। तो रिजल्ट फिलहाल डिक्लेयर कर दिया गया है, मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों चीज़ें जनरेट हो गई हैं। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ, वहाँ से आपको बताता कि कैसे आप लोग जो है अपना रिजल्ट देखेंगे। सबसे पहले आप गूगल पे टाइप करेंगे SCVTUP.in, तो आप लोग SCVTUP.in को खोल लेंगे तो आपकी वेबसाइट है जो खोल के सामने आ जाएगी, एक पॉपअप मैसेज आएगा, इसको आप क्रॉस कर देना। यहाँ पर आप लोग नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक चीज़ मिल जाएगी, ट्रेनी लॉगिन ट्यूटोरियल, अंक पत्र प्रमाण पत्र सत्यापन और डिजी लॉकर। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो भी ये जो है कि अंक पत्र निर्गमन यानी कि इशू ऑफ मार्कशीट, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कई चीज़ें होंगी। यहाँ पर लोग नीचे वाले पे क्लिक कर देंगे, प्रोसीड वाले पे, तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेशन डालेंगे, सेशन डालने के बाद 2019 डाल देंगे, यहाँ पर अपना रोल नंबर डालेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद एक आप यहां पर आईडी और पासवर्ड बनाएंगे, उसके बाद आपका आगे का पूरा डिटेल खुल जाएगा, तो आप लोगों का एक आईडी और पासवर्ड बन जाएगा। तो आप एक आईडी और पासवर्ड बना लीजिएगा, एक अगर आप आईडी और पासवर्ड बना लेंगे तो आप लॉगिन कैसे करेंगे उसका लिंक मैं आपको दिखा देता हूं, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें बनाएंगे, बनाने के बाद आगे आपको लॉगिन करने को मिल जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी एक बनाई हुई आईडी है एक छात्र की, उसने मुझे दी है, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिसकी वजह से मैं सारी चीज़ दिखा पा रहा हूँ। तो मैं उससे लॉगिन कर लेता हूँ। तो देखिए जैसे ही आप आईडी पासवर्ड बना लेंगे, यहाँ रोल नंबर, यहाँ पर पासवर्ड जो आपने बनाया डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर रोल नंबर पासवर्ड डाल दिया, यहाँ पर कैप्चा डाल दिया, लॉगिन पर क्लिक कर रहा हूँ तो लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं व्यू एंड डाउनलोड ई मार्कशीट, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ईयर की मार्कशीट और व्यू सेकेंड ईयर की मार्कशीट, कंसोलिडेटेड मार्कशीट, तो यहाँ कंसोलिडेटेड मार्कशीट पर क्लिक करेंगे तो मार्कशीट डाउनलोड हो जाएगी। मैं यहाँ पर क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, डाउनलोड मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ, फिर भी एक बार आपको डाउनलोड करके फिर से दिखा देता हूं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं एग्जाम मंथ ईयर देख सकते हैं, अक्टूबर 2022 में आप लोगों के एग्जाम हुए थे और यहां पर आप लोगों का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। ऐसे आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपकी हेल्प करने की, आपकी पूरी सहायता करने की, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।